Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Rural College, University of Allahabad. And today I am going to discuss a topic under the heading of statistics. In statistics, there are several terms which we have to know about the types of statistics, that is descriptive and inferential statistics. So today we are going to discuss the difference between descriptive and inferential statistics. Lecture will be in bilingual mode and will be useful for various teaching examinations and your basic conceptual understanding about the statistics as a discipline. Okay, तो हम लोग जब सांख्यिकी पढ़ते हैं तो बहुत सारे टर्म्स बार बार यूज होते हैं. स्टेटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स, पॉपुलेशन, सैंपल. तो शुरुआत करने से पहले पहले बेसिक जान लें, स्टेटिस्टिक्स क्या है, पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है, फिर डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल जानते हैं और फिर दोनों के बीच के अंतर को जानते हैं. क्योंकि फॉर्मूला लगा के सवाल हल कर लेना दूसरी बात है और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दूसरी बात है, ताकि हम समझ सकें कि क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा है, क्यों पता चल जाता है, तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है हमारे लिए. तो सबसे पहले जानते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या है. स्टैटिस्टिक्स इज द एरिया ऑफ अप्लाइड मैथ दैट डील्स विद द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. देखिए, अक्सर स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, मैथ है. और वो बच्चे जिनका न्यूमेरिकल कॉम्पिटिशन अच्छा नहीं है, वो क्या कहते हैं कि वो घबरा जाते हैं कि स्टैटिस्टिक्स मतलब मैथ. स्टैटिस्टिक्स मैथ नहीं है, सिर्फ अप्लाइड मैथ है, वो भी कुछ हिस्से में लगती है. पूरी स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं है, बहुत कुछ उसमें थ्योरेटिकल है. आपको समझना है, समझ कर चलना है, इंटरप्रिटेशन है, थोड़ा सा हिस्सा है बस जहां पे आपको गणना करने की जरूरत पड़ती है. तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है. स्टैटिस्टिक्स इज द एरिया ऑफ अप्लाइड मैथ, मतलब अनुप्रयोग है गणित का, जो किससे डील करता है, संग्रह कलेक्शन करने से, ऑर्गेनाइज संगठित करना है, एनालिसिस विश्लेषण करना है, इंटरप्रिटेशन हमको उसका अर्थ निकालना है, और प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुत करना है, किसको, डेटा को. यानी कि सारा काम किसको लेकर चल रहा है, आंकड़ों को लेकर, कि कैसे हम आंकड़ों को बेहतर तरीके से प्रदर्शित कर सकें स्टैटिस्टिक्स लगा के, ताकि उसका कोई अर्थ भी निकले. और क्या है स्टैटिस्टिक्स, इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफाइंग डेटा, रिप्रेजेंटिंग द डेटा फॉर ईजी इंटरप्रिटेशन एंड फर्दर एनालिसिस ऑफ डेटा. यानी कि ये सारा कुछ किस लिए किया जा रहा है, ताकि हम उसका ईजी इंटरप्रिटेशन कर सकें, यानी कि उसका अर्थ हम आसानी से बता सकें, वो बिखरे हुए डेटा को कोई अर्थ दे सकें, कोई परिभाषा दे सकें, और फर्दर भी उसकी एनालिसिस संभव हो सके. और क्या है स्टैटिस्टिक्स, अगर हम इसको डिफाइन करें तो वेलिस एंड रॉबर्ट्स के शब्दों में, स्टैटिस्टिक्स इज अ बॉडी ऑफ मेथड्स फॉर मेकिंग वाइज डिसीजंस ऑन द एज ऑफ अनसर्टेनिटी. यानी कि अनिश्चितता के दौर में, अनिश्चितता के इर्द गिर्द अगर हम वाइज डिसीजंस ले सकें तो वो स्टैटिस्टिक्स है, या हमको स्टैटिस्टिक्स इसमें हेल्प करती है. और ए एल बोगले क्या कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स एज द साइंस ऑफ काउंटिंग. अगेन ही डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एज द साइंस ऑफ एवरेजेस, है ना. अक्सर हम क्या करते हैं, माध्य निकालते, मीन निकालते, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, बहुत हद तक ये किसकी बात करता है, माध्य की बात करता है. तो माध्य मध्यमान का विज्ञान है, या गणना का विज्ञान है, कौन, स्टैटिस्टिक्स. फिर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्टैटिस्टिक्स के बारे में, कि अगर हम जानना चाहें कि कौन रहे फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, किसे कहा जाता है, और इंडिया में इंडियन फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स कौन है, तो सर रोनाल्ड एल्मर फिशर, renowned as his time's greatest scientist, was a British statistician and biologist who made significant contributions to experimental design and population genetics. He is widely regarded as the father of modern statistics and experimental design. यानी कि आर ए फिशर, जनरली इनको जानते हैं आर ए फिशर के नाम से, तो या फिशर साहब जो है, ये कहलाए जाते हैं फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. और बहुत काम है इनका स्टैटिस्टिक्स पे, एनोवा, नल हाइपोथेसिस, इन सब की बात इन्होंने की. और आप जानते हैं कि कितना पॉपुलर वो स्टैटिस्टिक्स में है ये सब कुछ. और अगर हिंदुस्तानी परिप्रेक्ष्य में देखें, भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें, तो पीसी महालनोबिस को कहा जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया फॉर हिज वेरियस कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स. तो ये जो एक बेसिक जानकारी हुई स्टैटिस्टिक्स के बारे में. अब जो टर्म हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, क्या, पॉपुलेशन एंड सैंपल. जनरली हम पॉपुलेशन को देश की पॉपुलेशन के
के रूप में समझते हैं कि उस देश की जनसंख्या, पर स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन का क्या अर्थ है? इट इज द इंटायर ग्रुप दैट यू विश टू ड्रॉ डेटा फ्रॉम, यानी कि वो पूरा समूह जिससे हम चाहते हैं कि उससे हम आंकड़ा एकत्रित कर सके, वो पॉपुलेशन कहलाता है स्टैटिस्टिक्स की के डिसिप्लिन में, इन सब्सिक्वेंटली ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट, और जिसके बारे में हम निष्कर्ष निकाल सकें। व्हाइल इन डे टू डे लाइफ द वर्ड इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, इन स्टैटिस्टिक्स इट कैन अप्लाई टू एनी ग्रुप फ्रॉम विच यू विल कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, है ना। यानी कि सॉरी, सांख्यिकी में कोई भी ऐसा समूह जिससे हम डेटा एकत्रित करना चाहते हैं वो हमारी पॉपुलेशन हो जाएगा, अगर हम उसको इन टोटैलिटी ले रहे हैं तो। और सैंपल क्या होगा? यानी उसी का नमूना, यानी कि उसका नमूना कैसा? रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, यानी कि वो समूह जो पॉपुलेशन के सारे गुण रखता हो वो सैंपल कहलाता है। अ सैंपल इज अ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ ए लार्जर पॉपुलेशन। रैंडम सैंपलिंग फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स अलाउज अस टू ड्रॉ ब्रॉड कंक्लूजंस अबाउट एन ओवरऑल पॉपुलेशन। दिस सेव्स टाइम, हैसल एंड एक्सपेंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम एन एंटायर पॉपुलेशन, व्हिच फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इज यूजुअली इम्पॉसिबल, है ना। यानी कि जो सैंपल है, जो नमूना है, हमने पॉपुलेशन में से एक्सट्रैक्ट किया है, पॉपुलेशन में से निकाला है, जनरली रैंडम सैंपलिंग से निकालते हैं रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, और वो चूंकि सारे गुण रखता है पॉपुलेशन के, इसलिए हम सैंपल पर अपनी स्टैटिस्टिक्स लगाकर उसके रिजल्ट को पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर सकते हैं, जो कि हमारा ध्येय है, जो कि हमारा लक्ष्य है। क्यों? क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना लगभग इम्पॉसिबल होता है, कोई ना कोई वजह ऐसी आ जाएगी या कोई ना कोई आपसे छूट जाएगा, इसलिए आप पूरी पॉपुलेशन पर स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए हमको सैंपल निकालना होता है उसमें से। तो ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई। अब बात करते हैं जो मेन मुद्दा है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है? इट फोकस ऑन समराइजिंग द की फीचर्स ऑफ ए डेटा सेट। यानी कि वर्णनात्मक सांख्यिकी का मेन उद्देश्य, मुख्य इसका फोकस किस पे है कि किसी भी डेटा सेट, कोई भी हमको आंकड़ों का समूह मिला है, उसमें के हम की फीचर निकाल सके, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता सके। द टर्म डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब बोथ इंडिविजुअल क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस एज वेल एज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग इनसाइट्स फ्रॉम दीज डेटा। यानी कि हम उसको मात्रात्मक रूप में भी बताएंगे, और उसको गुणात्मक रूप में भी बताएंगे, इनसाइट भी उसकी प्रदान की जा सकती है, और हम उसको क्वांटिटेटिवली भी बताएंगे कि क्या है वो डेटा सेट। बिकॉज दे आर मियरली एक्सप्लेनेटरी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आर नॉट हेविली कंसर्न विद द डिफरेंसेस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ डेटा। यानी कि दो विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के बीच का अंतर नहीं बताती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ये सिर्फ और सिर्फ क्या बताती है, एक्सप्लेन करती है, वर्णन करती है जो डेटा सेट उसको दिया रहता है उसके गुणों, और इट डिस्क्राइब्स अ सैंपल दैट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब सीधा सीधा, कोई इसमें कोई घुमाव फिराव नहीं है। यू सिंपली टेक अ ग्रुप दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, यानी कि हम पहले एक ग्रुप लेते हैं जिसमें हमको रुचि है, जिससे हम डेटा एकत्रित करना चाहते हैं, फिर क्या करते हैं, रिकॉर्ड डेटा अबाउट द ग्रुप मेंबर्स, हम उस ग्रुप के सदस्यों से डेटा रिकॉर्ड करते हैं, एंड देन यूज समरी स्टैटिस्टिक्स, और बाद में उस पर समरी स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं, जैसे ग्राफ से हमने प्रेजेंट कर दिया कि कितने लड़के कितनी लड़कियां हैं, या किस हाइट वेट के लड़के बच्चे हैं, या हम उनकी इंटेलिजेंस के हिसाब से उनको कोई कोई कैटेगराइजेशन हमने कर दिया, ग्राफ हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, कि जितने भी मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। विद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देयर इज नो अनसर्टेनिटी, ये बात खास है, वर्णनात्मक सांख्यिकी में कुछ भी अनिश्चित नहीं है। क्यों? बिकॉज यू आर डिस्क्राइबिंग ओनली द पीपल और आइटम्स दैट यू एक्चुअली मेजर, यानी कि जितने लोगों पर हमने एक्चुअली स्टडी की है, एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स लगाई है, उन्हीं के बारे में हम लिख रहे हैं, तो हम क्यों अनसर्टेन रहेंगे, हम अनिश्चित नहीं, हम बिल्कुल पूरी तरीके से निश्चित हैं, बिल्कुल शत प्रतिशत शुद्धता के संग इसमें रिजल्ट आता है। यू आर नॉट ट्राइंग टू इन्फर प्रॉपर्टीज अबाउट अ लार्जर पॉपुलेशन। यहाँ पे हम किसी बड़ी जनसंख्या पे अपने मतलब उन गुणों को इन्फर नहीं करने जा रहे हैं, अनुमान नहीं लगा रहे हैं, यहाँ कोई अनुमानिक काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे ठोस काम हो रहा है, क्योंकि वही ग्रुप का हम डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं जिसको हमने स्टडी किया है, यानी ओवरऑल पॉपुलेशन से मतलब नहीं है। फिर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है? Meanwhile, inferential statistics focuses on making generalizations about a larger population based on a representative sample of that population. देखिए, डिस्क्रिप्टिव में क्या था कि जितना सैंपल था हमने सबकी पूरी स्टडी की, सब पर स्टडी की, और हमने निकाल कर रख दिया सर्टेनिटी के साथ रिजल्ट। लेकिन इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं कि बड़ी पॉपुलेशन है, जो बड़ा ग्रुप है जिसमें कि हम सब पर स्टडी नहीं कर सकते, उसका सैंपल निकालते हैं रिप्रेजेंटेटिव। तो जब हमने सैंपल रिप्रेजेंटेटिव लिया है, इसलिए उसके रिजल्ट क्या होंगे, जनरलाइज होंगे, सामान्यीकृत होंगे,
बिकॉज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स फोकसेस ऑन मेकिंग प्रेडिक्शंस, या हम भविष्यवाणी करते हैं, इट्स रिजल्ट्स आर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोबेबिलिटी, इसलिए प्रायिकता के आधार पर यहाँ रिजल्ट निकाले जाते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है कि आप ऐसा करेंगे, है ना. और इट टेक्स डेटा फ्रॉम ए सैंपल एंड मेक इन्फरेंसेज अबाउट द लार्जर पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल वॉज ड्रॉन. ये बात क्लियर हो गई कि हमको सैंपल निकालना है पॉपुलेशन से और जो उसका रिजल्ट है हम उसको पूरी पॉपुलेशन पे जनरलाइज करेंगे और यही हम इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं. यही अनुमान लगाना ही इसका ध्येय है कि हम कितनी अच्छी तरीके से अनुमान लगा सकते हैं. बिकॉज द गोल ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज टू ड्रॉ ए कंक्लूजन फ्रॉम ए सैंपल एंड जनरलाइज देम टू ए पॉपुलेशन, वी नीड टू हैव कॉन्फिडेंस दैट आवर सैंपल एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द पॉपुलेशन. तो यहाँ पे सारा माजरा क्या है कि एरर कम से कम हो, चांस एरर ना हो, मेजरमेंट एरर ना हो और हम ज्यादा से ज्यादा श्योरिटी के साथ अपना प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट दे पाए, इन्फरेंस निकाल पाए, प्रिडिक्शन कर पाए. ओके, अब जानते हैं टेबल की सहायता से कि डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या अंतर है. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या करती है, फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन एंड और सैंपल. पॉपुलेशन ही हो सकती है, छोटी पॉपुलेशन होगी तो वो हो जाएगी, नहीं तो पॉपुलेशन का सैंपल हो जाएगा. लेकिन मेन उद्देश्य क्या है, सॉरी, कि जितने भी उसमें समूह है, जितने भी मेंबर है, आप सब पर स्टडी करेंगे, कोई इन्फरेंस ड्रॉ नहीं करेंगे, पूरी सर्टेनिटी के संग रिजल्ट बताएंगे. और यहाँ सॉरी, और इन्फरेंशियल में क्या है कि यूज सैंपल्स टू मेक जनरलाइजेशन अबाउट लार्जर पॉपुलेशन. तो यहाँ पे हम पूरी पॉपुलेशन पे स्टडी ना करके उसके एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल पर स्टडी करते हैं. यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव में ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट डेटा इन ए प्योरली फैक्चुअल वे, मतलब पूरा फैक्ट है, फैक्चुअल है. लेकिन इधर हेल्प अस टू मेक एस्टैब्लिश एंड प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम, हमको कुछ प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बताना पड़ेगा. यही आ रहा है निकल के कि प्रेजेंट फाइनल रिजल्ट्स विजुअली यूजिंग टेबल्स, चार्ट्स और ग्राफ्स. यहाँ पे आपको अंत में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में सारणी मिल जाएगी, तालिका मिल जाएगी, ग्राफ मिल जाएगा, लेकिन इन्फरेंशियल में क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी मिलेगी बस. फिर डिस्क्रिप्टिव में ड्रॉ कंक्लूजंस बेस्ड ऑन नोन डेटा, डेटा आपको पता है. लेकिन इन्फरेंशियल में क्या होता है, ड्रॉ कंक्लूजंस दैट गो बियॉन्ड द अवेलेबल डेटा, क्योंकि सैंपल ही तो डेटा नहीं है, डेटा तो पॉपुलेशन है. हमने बस अब इसमें ये भी डिपेंड करता है ना कि सैम्पलिंग कितनी सटीक हुई. अगर हमने सैम्पलिंग ही गलत की है तो बिल्कुल आपका सब हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा. और यहाँ पे कौन सी आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगाते हैं डिस्क्रिप्टिव में, मेजर्स लाइक सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, डिस्ट्रीब्यूशन, रेंज, वेरियंस, ये सब. जबकि इन्फरेंशियल में क्या लगाते हैं, use techniques like hypothesis testing, confidence intervals and regression and correlation analysis लगती है यहाँ पर, ठीक है. फिर descriptive में क्या होता है, for descriptive statistics that is choose a group that we want to describe and then measure all subjects in that group, the statistical summary describes this group with complete certainty. ये बात हो गई है ना कि measurement error यहाँ पर नहीं होगा. जबकि inferential में क्या है, we need to define the population and then devise a sampling plan, then that produces a representative sample. The statistical results incorporate the uncertainty that is inherent in using a sample to understand an entire population. कह रही हूँ ना कि पहली step तो यही है कि कितना सटीक आपने रिप्रेजेंटेटिव सैंपल चुना है पॉपुलेशन से. अगर वहीं से गड़बड़ी शुरू हो गई तो आपकी अनसर्टेनिटी बढ़ती जाएगी. देन डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिप्रेजेंट डेटा इन ए मीनिंगफुल मैनर, यानी अर्थपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है इधर. लेकिन इन्फरेंशियल में क्या है कि इट अलाउज अस टू कंपेयर डेटा एंड मेक हाइपोथेसिस एंड प्रेडिक्शन. यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकते हैं, जनरलाइजेशन कर सकते हैं, इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज आपने पूरी पॉपुलेशन पर स्टडी नहीं की है और एरर होना लाजमी है. इट इज यूज टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन, इसको सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है. जबकि इन्फरेंशियल इट इज यूज टू एक्सप्लेन द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, की कोई घटना के होने का क्या चांस है, ना कि प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में इसका रिजल्ट आता है. और डिस्क्रिप्टिव में इट एक्सप्लेन्स ऑलरेडी नोन डेटा एंड इज लिमिटेड टू ए सैंपल और ए पॉपुलेशन हैविंग ए स्मॉल साइज, मतलब छोटी साइज का पॉपुलेशन हो सकता है या सैंपल तक ये स्टडी लिमिटेड है. जबकि इन्फरेंशियल में इट अटेम्प्ट्स टू रीच द कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन, वो जिसको हमने स्टडी नहीं किया है. डिस्क्रिप्टिव में It can be achieved with the help of chart, graph, table. आ गया, ये बात आ चुकी है. Then descriptive statistics is that branch of statistics that is concerned with describing the population under study. जबकि inferential statistics कौन सी branch है? That focuses on drawing conclusions about the population on the basis of sample analysis and observation. इधर organize and ये फिर से आ गया point, repeat हो गया. Organize, analyze and present data in a meaningful way. और इधर compares, tests and predict data. And last but not the least, it explains the data which is already known to summarize. हमको सिर्फ जो data पहले से पता है उसको हमको summarize किया है, organize किया है, analyze किया है, किसमें, descriptive में. जबकि inferential में क्या है, it attempts to reach the conclusion to learn about the population that extends beyond the data available. जो sample का data है उससे बड़ा कहीं कुछ data है जिस पर आपको अपना
रिजल्ट अप्लाई करना है जिस तक आपको जनरलाइज करनी है अपनी फाइंडिंग्स. ठीक है, तो बेसिक अंतर आई थिंक कि डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल के डिस्क्रिप्टिव में सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की स्टैटिस्टिक्स लगी, इधर हाइपोथेसिस टेस्टिंग और रिग्रेशन एनालिसिस चल रही है इन्फरेंशियल में. ओके, सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है सबसे पहले किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले. तो स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं समझाने के लिए, समझने के लिए, लेकिन फिलहाल बेसिक अंडरस्टैंडिंग की व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा. सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. ओके, डन फ्रॉम माई साइड.